Okay, so let us start with the topic that is mouse. Okay, no problem. Okay, let us start with the topic that is mouse. Okay, mouse kya karta hai? Those who have the books, just open your book. माउस में कौन कौन से बटन होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ लेफ्ट बटन, देयर इज अ राइट बटन एंड देयर इज वन स्क्रॉल व्हील होती है. उसमें स्क्रॉल व्हील होती है जिससे आप स्क्रॉल करके अपवर्ड और डाउनवर्ड अपने माउस व्हील में जा सकते हो. ठीक है, तो आपके पास कितनी चीजें हुई माउस के अंदर? टू बटन्स एंड वन बार. ठीक है, दैट इज स्क्रॉल व्हील. सॉरी, व्हाट बेटा? बार लिंक भी तो कर सकते हो. यस, यू कैन क्लिक आल्सो. ठीक है, लेकिन जनरली यू दैट पर्टिकुलर व्हील इज जनरली यूज्ड टू स्क्रॉल योर पेज अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स. ठीक है, लेफ्ट बटन हम लोग क्यों यूज करते हैं? फॉर सिलेक्शन पर्पस. राइट बटन हम लोग क्यों यूज करते हैं? अगर आपको राइट बटन पे क्लिक करने से कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं. ठीक है, आपके पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हो गए, आपने राइट बटन पे क्लिक किया, कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हो गए. ठीक है, अब आपने ऑप्शंस, एक्स्ट्रा ऑप्शंस आप चाहते हो, आप इस पे क्लिक करना चाहते हो, तो आप राइट बटन पे क्लिक करो. अदरवाइज फुली नॉर्मल सिलेक्शन करना है, किसी चीज को सेलेक्ट करना है. जैसे मैंने आपको कुछ लिखा हुआ है, मैं इसे सेलेक्ट करना चाहती हूं. ठीक है, आई विल ऑलवेज यूज लेफ्ट बटन, आई विल नेवर यूज राइट बटन. राइट बटन मैं कभी यूज करूंगी जब मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन अपने पास चाहिए. तो कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन अगर मैं चाहती हूँ अपनी स्क्रीन पे, कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन अवेलेबल करवाना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं यूज करूंगी राइट बटन. अदरवाइज आई विल नॉट यूज. ठीक है, सो वॉट इज रिटन? Mouse was named as due to the shape and size of the device. Okay, on the previous class we have done already about the different types of buttons. ठीक है, हमने पढ़ा हुआ था कि हमारे पास buttons कौन-कौन से type के होते हैं. Scroll wheel होता है, दो buttons होते हैं, left और right. ठीक है, इतना सा काम हमने पहले पढ़ा हुआ. आज जो हम पढ़ेंगे that is about holding a mouse. कि आप mouse पकड़ते कैसे? ठीक है, माउस को अगर आपको पकड़ना है, आपको होल्ड करना है, तो किस तरीके से आप क्या करोगे? होल्ड करोगे, कैसे पकड़ोगे माउस को? ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द डिफरेंट टाइप ऑफ फिंगर्स. कि आपके पास कौन कौन सी फिंगर्स अवेलेबल है. ठीक है, आपके आपके हैंड में कौन कौन सी डिफरेंट फिंगर्स आर देयर? आई शुड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू, देन आई विल आस्क यू. ओके, जस्ट टू चेक whether you know or not. Okay, so I'm telling this is thumb. Okay, you can see on the picture also, the students, you can see in the picture also, one is thumb. Okay, this is index finger, this is middle finger, this is ring finger, this is little finger. So kya matlab hai? Different fingers are used for selecting the different type of options which are available. ठीक है, तो अब हमने different type of fingers use करी, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन यूज कर लिए. ठीक है, हमें पता चल गया फिंगर्स कौन कौन सी है, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल, रिंग एंड लिटिल. ठीक है, तो हम लोग बेसिकली सिलेक्शन करने के लिए, सिलेक्शन कौन से बटन से करते हैं? लेफ्ट बटन से. तो लेफ्ट बटन पर कौन सी फिंगर रखते हैं? इंडेक्स फिंगर. ठीक है, इंडेक्स फिंगर रखने से हम क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट कर लेंगे. ठीक है, इसी तरीके से राइट बटन पे क्लिक करना है आपको, तो कौन सी फिंगर यूज करोगे? मिडल फिंगर या फिर कुछ लोग रिंग फिंगर भी यूज करते हैं. ठीक है, राइट बटन पे क्लिक करना है तो उसके लिए कुछ लोग मिडल यूज करते हैं, तो कुछ लोग दिस इंडेक्स दिस रिंग फिंगर आल्सो दे यूज. ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन पीपल टू पीपल किस तरह के लोग हैं, बट जनरली वी पीपल यूज व्हाट टाइप ऑफ फिंगर? दिस फिंगर ओनली, दैट इज व्हिच? इंडेक्स. इंडेक्स फॉर द लेफ्ट बटन, राइट बटन के लिए मिडल या फिर अलग तरीके से वर्क करता है. अभी हम लोग नॉर्मल कीबोर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे आप कीबोर्ड देख सकते हो, कीबोर्ड और माउस के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी तो हमारा नॉर्मल चल रहा है. ठीक है, सो लेट अस कम ऑन द टॉपिक. दिस वाज जस्ट अबाउट द फिंगर्स. ठीक है, मैं आपको फिंगर्स के बारे में बता दिया कि कौन कौन सी टाइप की फिंगर्स होती है. नाउ लेट अस कम ऑन द टॉपिक. नाउ व्हाट डज टॉपिक कंसिस्ट ऑफ? नाउ होल्डिंग द माउस. नाउ व्हाट इज रिटन इन होल्डिंग द माउस? Grip side of the mouse with the thumb and the other side of the mouse with the ring finger. आपको grip बनानी है अपनी ring finger से और अपने palm से. ठीक है, palm की help से और ring finger की help से grip बनानी है.
रेस्ट योर इंडेक्स फिंगर ऑन द लेफ्ट क्लिक बटन. आपको अपना इंडेक्स फिंगर कहाँ रखना है? लेफ्ट क्लिक बटन पे रखना है. ठीक है, आपने रख दिया अपना लेफ्ट क्लिक बटन पे. क्या इंडेक्स फिंगर? अभी समझाया मैंने इंडेक्स फिंगर कौन सी होती है. ठीक है, एंड द मिडल फिंगर ऑन द राइट क्लिक. कुछ लोग मिडल फिंगर रखते हैं, कुछ लोग रिंग फिंगर यूज करते हैं. किसके लिए? राइट क्लिक करने के. ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन सी फिंगर क्लिक करने के लिए यूज करना चाहते हैं. ठीक है, प्लेस योर पाम कंफर्टेबली ऑन द टेबल. आपने पाम रखा अपना. By default, the mouse is held in the right hand. इसका क्या मतलब है? हम लोग कभी left hand से mouse use करते हैं? No. We always use the mouse from right hand only. लेकिन हम लोग left hand से भी use कर सकते हैं. कैसे? हाँ, अगर कोई lefty है तो उसके लिए एक setting में हमारे पास option आता है. ठीक है, mouse की setting में. आप वहाँ जाओ, mouse की setting left में ही change कर दो. Left hand में. ठीक है? Yes. Mouse की settings में एक option आना है हमारे पास. That is change the hand. ठीक है, तो आप उसको right से left change कर दो, तो अपने आप change हो जाए. ठीक है, so that is आप इस तरीके से change कर सकते हो. It can be made suitable for left hand too. आप left hand में भी use कर सकते हो mouse. जरूरी नहीं हर बार right से use करना है. But in most of the cases we always use right hand only. Left हम लोग बहुत कम use करते हैं. ठीक है, second point, mouse buttons. Now what are the different type of buttons? The first is written hover. Hover का मतलब क्या होता है? Like अब मैं बताती हूँ. जैसे आपने माउस का एरो लिया, ठीक है, आपने किसी ऑब्जेक्ट पे जाके प्लेस कर दिया, आपने किसी शेप पे जाके लगा दिया माउस को, क्लिक नहीं किया है आपने, सिर्फ उसके ऊपर प्लेस कर दिया जाके. ठीक है, तो आपने देखा होगा इट शोज यू सम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, कुछ आपको दिखाएगा कि किसी पर्टिकुलर शेप से रिलेटेड है. लाइक आपने चार्ट पे क्लिक किया तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट से नहीं पता चल जाएगा. आपको ये नहीं पता कि मैं ये नहीं पता इन्फॉर्मेशन बाय प्लेसिंग द माउस कर्सर ओवर दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज होवर. आपने माउस अगर से किसी चीज के ऊपर रख दिया जाके उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई है उसको बोलेंगे होवर. अब क्लिक कैसे करते हैं हम लोग जनरली? कौन से बटन को यूज करते हैं जनरली क्लिक करने के लिए? ठीक है, और कौन से फिंगर से होता है? इंडेक्स. राइट, तो हम लोग क्लिकिंग के लिए इंडेक्स फिंगर यूज करते हैं और जनरली लाइट सा टैप करते हैं. ये नहीं क्या मार रहे हो बार बार, ऐसे में माउस के भी डैमेज होने के चांस है. राइट, थर्ड पॉइंट, होल्ड. व्हाट डू यू मीन बाय होल्ड? प्रेस. आप होल्डर, अगर कोई भी चीज होल्ड रखना चाहते हो, कैसे? आपने पकड़ा हुआ है किसी शेप को, ठीक है, आप चाहते हो वो मेरे माउस से क्लिक ही रहे, होल्ड ही रहे, मैं उसको मतलब ड्रॉप ना करूं क्लिक पर भी, तो होल्ड कैसे करोगे? व्हाट इज द वे? बिल्कुल, और उसे जब तक आप उसको माउस का बटन क्या नहीं करोगे, जब तक उसको अनप्रेस नहीं करोगे तब तक क्या हो जाएगा? वो होल्डेड ही रहेगा, होल्डेड ही रहेगा, उसकी पोजीशन पर ही होल्डेड रहेगा. दैट इज होल्ड. ठीक है, नेक्स्ट इज लेफ्ट. इट इज जनरली कॉल्ड क्लिक. टैप द लेफ्ट माउस बटन वंस. इट इज यूज्ड टू सेलेक्ट एनी आइटम ऑन द डेस्कटॉप. नाउ जनरली लेफ्ट क्लिक हम लोग यूज करते हैं किसी चीज को सेलेक्ट करने के लिए, हम लोग लेफ्ट क्लिक यूज करते हैं. ठीक है, लेफ्ट क्लिक हम लोग कब यूज करेंगे? जब हमें किसी चीज को सेलेक्ट करना है. ठीक है, हम किसी चीज को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट क्लिक. ओके, लेफ्ट क्लिक में हमें पता चल जाएगा कि हमें सिलेक्शन करना है, तो इसलिए हम बोलेंगे लेफ्ट क्लिक. ओके, अगर हमें राइट क्लिक यूज करना है, वो नहीं था राइट क्लिक. राइट क्लिक में क्या होता है? आपके पास आप चाहते हो कुछ ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हो. लेफ्ट क्लिक में क्या होता है? सिलेक्शन होता है. राइट क्लिक में करने से क्या होता है? आपके पास कुछ मोर ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं. अब मोर ऑप्शंस अवेलेबल हो गए तो यू कैन इजीली यूज दैट मोर ऑप्शन. यू कैन डिफरेंट, आपने देखा होगा डेस्कटॉप पे जब आप राइट क्लिक करते हो तो वहां पर डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे न्यू, पर्सनलाइज, ठीक है, डिलीट का आ जाता है, प्रॉपर्टीज का आ जाता है. ठीक है, तो राइट क्लिक करने से हमेशा हमको एक्स्ट्रा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है. आपने किसी भी सॉफ्टवेयर पर राइट क्लिक किया तो देयर यू विल गेट मेनी टाइप ऑफ डिफरेंट एक्स्ट्रा ऑप्शन. ठीक है, आपके पास अगर एक्स्ट्रा ऑप्शन चाहते हो अपनी स्क्रीन पे तो यू विल बी डूइंग राइट क्लिक. ठीक है,
नेक्स्ट डबल क्लिक. व्हाट डू यू मीन डबल क्लिक? डबल क्लिक करने से क्या होगा? ओपन ओपन ओपन. अच्छा अगर सिंगल क्लिक कर दूं तो उससे क्या होगा? उससे सेलेक्ट हो जाता. अगर मैं दोबारा उससे सिंगल क्लिक कर दूं तो मैम दो एक बार ऐसा टाइम लेके एग्जैक्टली डबल क्लिक करने से क्या होता है? या डबल क्लिक करने से क्या होता है? आपका जो ऑप्शन होता है डबल क्लिक करने से, ठीक है, डबल क्लिक करने से आपने किसी ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक किया तो वो जो पर्टिकुलर ऑप्शन जिस पर आपने डबल क्लिक किया है वो जल्दी ओपन हो जाएगा. इट विल ओपन इन द क्विकेस्ट मैनर. जल्दी से ओपन होगा वो. अगर आप उसमें सिंगल क्लिक करके है तो वो कई बार आपने देखा होगा आपने सिंगल क्लिक किया उसके बाद वो काफी देर तक होल्ड करता रहेगा फिर वो ओपन ही नहीं होगा. हाँ उससे क्या होता है? We can't open anything by single clicking. आपने सिंगल क्लिक किया उससे कई बार बहुत सारी चीजें ओपन नहीं होती है तो उसके लिए यू हैव टू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग डबल टाइम्स. और कई बार कुछ बच्चे ट्रिपल टाइम्स भी क्लिक कर देते हैं उस पर, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम डबल क्लिक. हाँ बिल्कुल. अगर आपने ऐसा हुआ है कि अगर आपने किसी एजर की सिंगल क्लिक कर दिया, आप चाहते हो कि आपने सिंगल क्लिक लेफ्ट हैंड साइड किया है राइट हैंड साइड में सिंगल क्लिक कर दिया, ठीक है, अब आप बोल रहे थे आपने जो डबल क्लिक किया था तो इट विल नॉट वर्क. व्हाई? बिकॉज आपको सेम प्लेस पर ही जाके डबल क्लिक करना होगा तभी वो वर्क करेगा. ओके आदित्य, ठीक है, बाय यूजिंग इंडेक्स. ओके नेक्स्ट इज ड्रैग एंड ड्रॉप. व्हाट डू यू मीन बाय ड्रैग एंड ड्रॉप? बिल्कुल. आपको कोई भी चीज ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है अगर, ठीक है, आपको कोई भी चीज ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है अगर, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने का व्हाट आर द डिफरेंट वेज ड्रैग एंड ड्रॉप के? आपको मैंने एक इमेज दिया, कोई पिक्चर दिया, आप उसको ड्रैग करके दूसरी जगह, मैं चाहती हूँ फर्स्ट पेज से थर्ड या फोर्थ पेज पर अपनी इमेज पेस्ट करना, तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करूंगी? हाउ आई विल डू दैट? I will press that image, ठीक है? I will not draw in between. जहाँ पर मेरी desired location है, वहाँ पर मैं करूँगी drag करके, वहाँ पर drop करूँगी जाकर. जो भी उसकी desired location है, और which they have to paste my image or the shape, उस particular shape या page पर आप उस particular shape को या image को वहाँ तक क्या कर लो? Drop कर लो, drag करके drop कर दो, it will paste over there. Copy paste कर सकते? Copy paste भी कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन बात ये है कि यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप की बात हो रही है तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप बता रही हूँ. कॉपी पेस्ट भी बहुत इजी है, ठीक है. नेक्स्ट इज हाइलाइटिंग अ टेक्स्ट और सेलेक्टिंग अ टेक्स्ट. ओके, सो फॉर दिस आई एम गिविंग वन टास्क टू यू. व्हाट टास्क? मैंने आपसे बोला आपके पास एक डेस्कटॉप है, ठीक है, डेस्कटॉप पे कुछ आइकन्स बने हुए हैं. यू हैव टू सेलेक्ट ऑल द आइकन्स एक्सेप्ट वन. एक आइकन के बिना आपको बाकी के आइकन सेलेक्ट करने, ठीक है, तो कैसे करोगे? ओके, बट बात ये है कि मैं चाहती हूँ कि मैं माउस की हेल्प से करना चाहती हूँ, मैं कीबोर्ड यूज ही नहीं करना चाहती. अब बताओ मुझे कैसे? मुश्किल है. ओके, आप क्या कर सकते हो? आपके पास मैं आपको एक बता देती हूँ. आइकन जो हम लोग उसको सेलेक्ट नहीं करना चाहते वो सबसे नीचे है, ठीक है, बाकी सारे ऊपर है उसके, और वो आइकन सबसे लास्ट में है. तो अब क्या बताओ? फिर ड्रैग करके कैसे? हाँ, हम लोग क्या करेंगे? अपना माउस लेकर उसको ड्रैग कर देंगे ऊपर से लेके स्टार्ट करेंगे, सेकेंड लास्ट लाइन है वहां तक ड्रॉप कर देंगे, सारे आइकन जितने भी होंगे डेस्कटॉप पे सारे सेलेक्ट हो जाएंगे एक्सेप्ट वन. और अगर वो बीच में है तो? बीच में तो नहीं कर सकते, फिर आपको ऊपर वाले अलग से करने पड़ेंगे, नीचे वाले अलग से करने पड़ेंगे, ये है, क्योंकि मिडल में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, है ना. सो दैट इज द थिंग. सो दैट वॉज अबाउट हाइलाइटिंग अ टेक्स्ट. अच्छा, हाइलाइटिंग अ टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? आपने देखा कि आपने आइकन सेलेक्ट करे, ठीक है, आइकन सेलेक्ट करने के बाद आपने ये भी तो देखा कि वो ब्लूइश या ग्रेश कलर के आएंगे. ब्लूइश और ग्रेश कलर के देखे सबने, इसका मतलब क्या होता है कि वो पर्टिकुलर आइकन सिलेक्टेड है, ठीक है, सेलेक्ट हो चुका है. तो अब आपको उसको सेलेक्ट करके, और जो अनसेलेक्टेड आइकन्स होंगे वो किस कलर के होंगे? नॉर्मल कलर्स के, जिसमें तो वो थे पहले से, ठीक है. जो सेलेक्टेड आइकन होंगे वो ग्रे या ब्लू कलर में हो जाएंगे, या जनरली ब्लू में होते हैं, कुछ ग्रे भी होते हैं, ठीक है. व्हाट इज रिटन ओवर हियर? द सेलेक्टेड टेक्स्ट. आपको अब ये टेक्स्ट रिलेट कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ आइकन से रिलेटेड, फिर से सुन लेना, मैं आइकन से रिलेट कर रही हूँ, ये कर रहे हैं टेक्स्ट से रिलेटेड, ठीक है.
ठीक है, तो प्लीज लिसन केयरफुली. द सिलेक्टेड टेक्स्ट विल बी हाइलाइटेड इन ग्रे कलर. यू कैन नाउ चेंज द कलर फ्रॉम साइड एक्सेट्रा. जो भी चीज आपको चेंज करनी, फॉर एग्जाम्पल आपने टेक्स्ट के, अगर हम आइकन के छोटे टेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ पोर्शन का सिलेक्ट करना है, तो वो पोर्शन किस कलर में क्लियर होगा आपको, ब्लू ग्रेइश या ब्लूइश, ठीक है. कुछ कंप्यूटर्स को ग्रेइश कलर में शो करता है, मेरे कंप्यूटर में ग्रे कलर में, कभी ब्लू ब्लू कलर में शो कर जाएगा. इट डिपेंड्स अपॉन सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर, या कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, कौन सा लैपटॉप यूज कर रहे हो, उसमें आपने उसकी सेटिंग्स में ब्लू चेंज करे हुए हैं या ब्लैक चेंज करे हुए हैं, कौन सा कलर, ठीक है. Next and the last is a scroll. What do you mean by scroll? Yes. तो उसको use कैसे करते हैं? Okay, very good. Scroll wheel ना? Okay. अगर मैं scroll wheel use नहीं करना चाहती, तो मैं चाहती हूँ scroll wheel use नहीं करना चाहती. मैं चाहती हूँ page में भी एक वो होता है ना? Page up. हाँ, page down, page up. Exactly. That thing is मैं बताती हूँ. स्क्रॉल जो होता है, स्क्रॉल, ठीक है, एक तो होता है स्क्रॉल भी जो हमारे माउस में लगा होता है, ठीक है, जिससे हम अपना पेज अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स यूज करते हैं. अगर आप अपना स्क्रॉल व्हील ना यूज करके नॉर्मल क्लिकिंग से यूज करना चाहते हो, स्क्रॉल बार, आई एम टॉकिंग अबाउट स्क्रॉल बार. स्क्रॉल बार कौन सा होता है? पेज के राइट साइड में एक बार होता है जिससे आप अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स कर लेते हो अपना पेज, करते हो, उसको बोलते हैं स्क्रॉल बार. फोन में भी होता है, तो उससे क्या करते हो आप, उससे आप अपना पेज अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स करते हो. अगर आप माउस यूज नहीं कर रहे हो, तो स्क्रॉल बार से अपना पेज अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स मूव करवा सकते हो. दोनों में होता है, ठीक है, 3 उंगली से ही हो जाता है. सो वेट वी टॉक अबाउट स्क्रॉल बार. अगर हम स्क्रॉल बार के बारे में बात करें, तो स्क्रॉल बार को आपको अलग से मूव करवाना पड़ेगा अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, जहां पर भी आपको मूव करना है, ठीक है. स्क्रीनशॉट विंडो स्क्रीन प्लस प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन आता है, कैसे मैं बताती हूँ. आप क्या करते होगे, प्रिंट स्क्रीन अलग से प्रेस कर देते होगे, और उसके बाद फिर वो अलग से प्रेस करते होगे विंडोज. आपको ये नहीं करना होता, आपको विंडोज और प्रिंट स्क्रीन एक साथ प्रेस करना होता, एक साथ. और बेसिकली 2010 में ज्यादा होता है. आई हैव चेक फॉर 2007 2010 मेरे पास 2010 है, तो आई हैव चेक फॉर 2010 आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंटर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस, नाउ आई एम शोइंग टू यू, दिस इज अ पॉइंटर, ठीक है, नॉर्मल एरो है, ठीक है. एक होता है आई, एक होता है हैंड वाला ऑप्शन, ठीक है, हैंड की दिखाओ का होता है, एक होता है लोडिंग वाला ऑप्शन. मैं आपको चारों के मतलब समझाती हूं, ठीक है. एरो जो होता है, नॉर्मल एरो, दैट इज यूज्ड फॉर बेसिकली सिलेक्शन पर्पस, ठीक है, किसी चीज को सिलेक्ट करना है आपको, तो सिलेक्शन. So what is written? The arrow pointer is seen normally. You can select any item or file with this pointer. आप arrow से किसी भी चीज को select कर सकते हो, क्योंकि आपकी screen पे arrow आ रहा है, तो आप easily कोई भी चीज select कर सकते हो. Yes or no? ठीक है. Next is ID. Now this is very important. ID का क्या मतलब है? एक होता है हमारे पास disable का option, एक होता है enable का option, ठीक है. तो enable आपको कोई भी चीज enable करके on कर दिया किसी चीज को, तो ID, what does ID do? ID क्या करता है? आप किसी भी जगह पे कोई चीज इंसर्ट करवाना चाहते हो, ठीक है, आपने दो वर्ड्स है, उसके बीच में कोई चीज इंसर्ट करवानी है, ठीक है, आप चाहते हो कि इसके बीच में अपने आप ऑप्शन आ जाए. जैसे आपको पता है फेसबुक या और इंस्टाग्राम, आपने देखा होगा तो फ्रेंड सजेशन अपने आप आ गए, हम लोग थोड़ी उसे सजेस्ट करवा देंगे, ठीक है. देख आप ऑन आपने क्योंकि ऑन करा होता है, ठीक है, उसका ऑप्शन एनेबल करा होता है, हम तो ऑन कर. हाँ बिल्कुल, ठीक है. तो होता क्या है, आप उसको एनेबल कर दो आईडी को, तो उससे क्या होता है, एनेबल करने से आपके पास आईडी को ऑप्शन आने लगता है. फिर क्या होता है, फ्यूचर में जैसे आपको दो वर्ड्स है, उसके बीच में कोई चीज इंसर्ट करवानी है या कोई पिक्चर इंसर्ट करवानी है, तो आपको अपने आप गूगल से सजेशन देने लगेगा कि आप इन दोनों को
फॉलोअर्स के बीच में इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सजेशन जैसे हमें फ्रेंड सजेशंस आते हैं, इन द सेम वे दो वर्ड्स के बीच में आपको किसी चीज को फेस करना है, आप चाहते हो अपने आप से आ जाए, ठीक है, तो आप उसको इजीली ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे आईडी। आईडी क्या करता है, गूगल से कनेक्ट होता है पहली बार, अब वो आपको अपना सजेशन दिखा देता है कि आप दो वर्ड्स के बीच में कोई चीज पेस्ट कर सकते हो यहाँ पे। अगर आप इसे डिसेबल कर दोगे तो दैट ऑप्शन विल नॉट बी शोन बाय आईडी, ठीक है। आईडी का बस इतना सा वर्क होता है, दो चीज किसी चीज के बीच में कोई चीज इंसर्ट करवानी है तो इन दैट पर्टिकुलर भी आईडी यूज। थर्ड पॉइंट, पॉइंट ऑफ सजेशन। अब नाउ व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट इज द पर्टिकुलर हाइपरलिंक, या व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरलिंक, पढ़ा हुआ है लेकिन द थिंग इज कि वो चीज टॉपिक डिपेंडेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, कोई लिंक किसी पेज से जुड़ी हो, कोई लिंक एग्जैक्टली। सो हाइपरलिंक का क्या मतलब है, हाइपरलिंक जस्ट कनेक्ट्स वन पेज टू अनदर पेज, ठीक है। आपने एक हाइपरलिंक आपने लिखा हो ब्लू से कलर का आता है, आपने जैसे उस पे क्लिक किया दैट पेज विल कनेक्ट द पेज फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, इट विल डायरेक्टली ट्रांसफर यू फ्रॉम वन पेज टू अनदर, वन पेज टू अनदर पेज, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेगा। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करते हो, आपने देखा होगा आप नॉर्मली व्हाट्सएप कॉल है आपको, आपने लिंक पे क्लिक किया वो टेलीग्राम या गूगल लिंक पे लिंक पे चला जाएगा, जिस भी तरह का लिंक होगा आपका, जिस भी जो भी अगर मैं गूगल लिंक पे क्लिक किया तो दैट पर्टिकुलर लिंक विल टेक मी टू व्हिच पेज और व्हिच ऐप, गूगल, तो इसको बोलते हैं हाइपरलिंक, ठीक है। तो अब आपने देखा होगा जनरली आप जब लैपटॉप यूज करते हो या कंप्यूटर यूज करते हो तो वहां पर इस तरीके का ऑप्शन भी हैंड का आता है, तो लिंक ओवर दिख सकता है, दिस हैंड, ये जो हैंड बना हुआ आ रहा है इसको दिख रहा है दिस हैंड, ये आपको डायरेक्टली बता देगा कि लिंक है। आपने देखा होगा आप माउस को यूज करते हो, ठीक है, आप किसी लिंक पर डायरेक्टली अपना माउस लेकर चल रहे हो और फिर अपना ही हैंड बना हुआ जाएगा, अपना हाथ बना हुआ जाएगा, इसका मतलब क्या है कि ये एक लिंक है, लिंक इस पे क्लिक कर सकते हैं और ये आपको एक पेज से दूसरे पेज पे ले जा रहा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हाइपरलिंक, ओके। लास्ट पॉइंट इज बिजी पॉइंटर। नाउ व्हाट डू यू मीन बिजी पॉइंटर, बिजी पॉइंटर का मतलब क्या है, बिजी पॉइंटर का मतलब ये है इसको बच्चा में होता है कि कंप्यूटर टास्क में बिजी है, ओके, वेल व्हाट अभी को होने वाला है नोटिफिकेशन दे दो, बिना कोई नोटिफिकेशन दे दो, यस, ये तो मैं बहुत पुराना है ये। नाउ आई हैव टू ऑप्शंस, सो नाउअडेज आपको आपको कोई भी चीज जैसे आपको कहीं पर देखा होगा आपका लैपटॉप कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा है तो नीचे दिखा देगा प्लीज वेट, और इस तरीके से लोडिंग वाला साइन बना हुआ आ जाएगा, वो बोल बोल घूमता रहेगा और लोड होता रहेगा, उसका पेज संबंधित होगा जब तक तब तक लोड होता रहेगा, ठीक है, तो इस तरीके से सर्कुलर मोशन ओपन रहेगा। ये वाला ऑप्शन वी कैन से 4 टू 5 इयर्स बैक एचपी, यस एग्जैक्टली, वी वर यूजिंग इनिशियली दिस ऑप्शन, पहले ये वाला ऑप्शन था, इसका मतलब क्या है, अच्छा ये वाला साइन अप नंबर का देखो मैम, ये मतलब इनिशियल टाइम पे टाइम को बिजनेस में डेली बोल मैम, दिस ऑल आवर्स आपने देखा होगा अभी भी दो तरीके का आ गया, डोरेमोन में कोई इसको यूज करने आ रहा है, हां क्या मैं आप सी माय ब्रदर एंड सिस्टर, सो दैट पर्टिकुलर ऑप्शन इज यूज ओवर हियर, कैसे ये वाला ऑप्शन कहां पर यूज आता है, जब भी मर्ट होता है, जैसे मर्ट है, ठीक है, तो मर्ट को आप इस फोल्डर रखो तो ये टाइम मेजर करेगा कि कितना टाइम आपका ले रहा है, पूरा मर्ट नीचे तक सेटल हो जाएगा, उसको बोलेंगे इनिशियली, क्या इनिशियली वी वर यूजिंग दिस ऑप्शन, हम तो यूज नहीं करते बट कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी थी वो पहले इसको यूज करते थे, nowadays we are using this option ki that is loading ya to tc mein likha hua hai ya loading mein likha hua hai koi koi circular course option mein hota hai aaj kal google meet ka link khol dete hain to main direct browser ke liye ha bilkul isko bolte hain hyperlink has been used hai hyperlink abhi bataya na maine hyperlink kya karta hai browser ke liye jata hai sab liye hai na browser ke liye kya karta hai browser pe pata hai kaun leke jata hai to open kar lo mam aise